केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी का हमारा कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम 1 मई तक चलेगा। इसके तहत बीमा कंपनियों, कॉमन सर्विस सेंटर और नोडल विभाग के माध्यम से फसल बीमा पाठशाला का देश भर में आयोजन किया जा रहा है। चित्रकूट में जिला कृषि भवन में इसी क्रम में फसल बीमा किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसानों से संवाद का सीधा प्रसारण दिखाया गया। संयुक्त निदेशक कृषि LB यादव ने बताया कि शासन द्वारा किसानों को सरकार की कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। किसान फसल बीमा योजना के तहत आज जो ऐसे जो सेंटर चलाते हैं, कंप्यूटर सेंटर, उनको बुला करके और जो बीमा धारक जिन्होंने बीमा प्राप्त किया है, पूरे केंद्र में ऐसे आज कार्यक्रम चला करके माननीय नरेंद्र तोमर जी ने एक संदेश दिया है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसमें हमारा किसान मजबूत हुआ है। माननीय मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी होगी, यानी कि कुल 900 रुपए में आपको 49,122 रुपए अगर कहीं आपकी फसल खराब होती है एक हेक्टेयर, तो आपको इतना कम पैसे में इतना लाभ मिलता है और निश्चित रूप से किसान को इसका लाभ लेना चाहिए। किसान फसल बीमा योजना बहुत लाभकारी योजना है और मैं कहता हूं किसान एक भी छूटे ना, क्योंकि ये इतनी अच्छी योजना ये कभी मिल नहीं सकती। ये हमारा समझो व्यक्तिगत प्रीमियम है, जैसे हम अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, अगर हमने खेती का बीमा करा लिया तो निश्चित रूप से हमारे एक परिवार के लिए अगर कहीं भी फसल खराब होती है तो बहुत अच्छी आमदनी उस पर अच्छी राशि मिल रही है कम पैसे में। बीमा का भी कार्यक्रम हो रहा है और इसका भी इसमें EKYC हम करा रहे हैं। हमारे इतने फील्ड वर्कर कर्मचारी हैं कि इसे कट के ATM, DTM और एलाइट की भी कर्मचारी को लगाया गया है और जो हमारे पूरा कंपनी के प्रतिनिधि हैं वो भी जो है पूरे क्षेत्र में फैल करके इसका प्रचार प्रसार करा रहे हैं और किसी भी जो शेष किसान बचे हैं हमारे वो फार्म भरवा करके वो हम 100% सिचुएट करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे।